हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू Dosomecode.com। माय नेम इज पंकज। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम कंसोल के बारे में जानेंगे कि कंसोल होता क्या है और जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट में कंसोल का क्या यूज है। दोस्तों, बेसिकली कोई भी ब्राउज़र हो उसके पास अपना एक डेवलपर टूल होता है जिसके अंदर आपके पास जो भी आप HTML में कोडिंग करते हो वो सारे कोडिंग आप उस टूल में देख सकते हो। कहाँ पे एरर है देख सकते हो आप। HTML कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हो, वहाँ से आप उसमें CSS मॉडिफाई कर सकते हो, JavaScript ही मॉडिफाई कर सकते हो। तो बेसिकली कंसोल जो है एक डेवलपर टूल का पार्ट है और JavaScript की सीरीज है। सो इस वीडियो में हम उस कंसोल के बारे में डिस्कस करेंगे और कंसोल का यूज हम कैसे करते हैं वो जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम JS में कंसोल का यूज कैसे करके उसे कैसे एडवांटेज ले सकते हैं। तो आपको कंसोल ओपन करने के लिए आपको ब्राउज़र ओपन करनी होगी, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक पेज बना के रखा है यहाँ पे। एक पेज है, मैं इसको रन कर लेता हूँ। हेलो वर्ल्ड, इसमें मैंने एक सिर्फ हेलो वर्ल्ड बना रखा है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कोड में हेलो वर्ल्ड। ओके, तो कंसोल ओपन करने के लिए आपको एक कमांड होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। आप ये प्रेस कर सकते हो कंट्रोल शिफ्ट आई, तो आपका ये कंसोल ओपन हो जाएगा। बेसिकली ये एलिमेंट पे ओपन होता है, या फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको ये ओपन हो जाएगा। दोस्तों, ये जो एलिमेंट वाला पार्ट है इसमें हमारा HTML पेज दिखाएगा। आप जिस पेज को इंस्पेक्ट करोगे उस पेज का HTML कंटेंट, HTML कोड यहाँ पे दिख जाएगा। बट हम यहाँ पे इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, आप एलिमेंट देख सकते हो, कंसोल हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा, इसके अंदर भी बहुत सारे, ये सारी चीज़ें मैं एक अलग से वीडियो में कवर करूँगा। बट ये हम JavaScript सीख रहे हैं, JavaScript की सीरीज है, तो इसमें हम कंसोल के बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो ये कंसोल, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे कंसोल पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपने कोई JavaScript की कोड लिखी है और यदि उसमें कोई एरर है तो सारा एरर यहाँ पे शो हो जाता है। और या फिर यहाँ पे मान लो कि मैं JavaScript का कोडिंग करना चाहता हूँ, समथिंग लिख दो कि मैं 89 प्लस सॉरी कोई ऑपरेशन करना चाहता हूँ, 10 करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम JavaScript को रन कर सकते हैं। हम देख सकते हैं JavaScript रन हो गया। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, अगर आप इसको चाहें तो इसको अनडॉक करके, जैसे कि यह अभी अनडॉक है, अगर इसको चाहते हैं कि लेफ़्ट साइड में आ जाए तो ये लेफ़्ट साइड में आ जाएगा। अगर आप इसे चाहते हैं कि ये बॉटम में आ जाए तो यहाँ से आप बॉटम में कर सकते हैं। और इधर यदि आप चाहते हैं इसे लेफ़्ट साइड में करना तो आप इसे लेफ़्ट साइड में कर ले सकते हैं। ओके, तो बेसिकली ये जो कंसोल है यहाँ पे हम डायरेक्टली JavaScript का प्रोग्राम लिख सकते हैं और यहाँ पे हम JavaScript का कोड जो है रन कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं एक अलर्ट नाम का फंक्शन लिखता हूँ जो कि हमारे JavaScript में यूज होता है पॉपअप दिखाने के लिए, कुछ डेटा को शो कराने के लिए। तो मैं इसमें एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ हेलो नाम का, हेलो वर्ल्ड, एंड इंटरप्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा JavaScript डायरेक्टली यहाँ से रन हो रहा है। अगर आप यहाँ से नहीं करते तो क्या करना होता, हमें यहाँ डायरेक्टली कोड में लिखना पड़ता, फिर जा करके रन करना पड़ता, तब वो जा करके वहाँ पर रन होता। बट यहाँ से डायरेक्टली करने का मतलब है कि यहाँ पर हम डायरेक्टली, अगर आप कोड सीखते हो तो आप यहाँ पर डायरेक्टली कोड लिख करके अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अगर आप बिगनर हो तो यहाँ पर। और यहाँ पर सजेशन बहुत सारे आते रहते हैं जिससे आपको JavaScript के जितने भी फंक्शन हैं उनसे, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चल सकता है। और यहाँ पे इस पर क्लिक करके या फिर कंट्रोल एल प्रेस करोगे, ओके, तो ये क्लियर हो जाएगा। समथिंग मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे जो आप क्लिक करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ओके, मान लो मैं बहुत कुछ लिख दिया, ये क्लियर हो गया। और एक चीज़ और, मैं अगर कुछ रॉन्ग लिखता हूँ यहाँ पे, मैं अलर्ट का ही एग्जांपल ले लेता हूँ एंड यहाँ पे मैंने कुछ रॉन्ग लिख दिया। सिंपल, ये एक वेरिएबल है जिसको मैंने डिफाइन नहीं किया, बस लिख दिया है अनडिफाइन, क्योंकि एरर बता रहा है इसलिए आउटपुट आया नहीं, आपने देखा था। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, चलो मैं आपको इसका CSS एडिट करके दिखाता हूँ कि हम यहाँ कंसोल के थ्रू हम CSS को कैसे एडिट करेंगे। तो हमारे पास जो है एलिमेंट अर्थात कि HTML, इसके अंदर जो है हमारा ये H1, ओके,
इसकी आईडी है हेलो, मैं चाहता हूँ कि इसको सेलेक्ट करूँ और इसका CSS चेंज करना चाहता हूँ। इस तरीके से आप अब सीखोगे ना कंसोल को यूज करके जावास्क्रिप्ट, तो आपको जावास्क्रिप्ट काफ़ी इजी लगेगा सीखना और काफ़ी आसानी से सीख जाओगे। जैसे कि मान लो मैं अभी इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, आप ये कर दो कि इस पर क्लिक करें तो कोई फंक्शन चले, इस पर क्लिक करें तो कोई पॉपअप आए, इस पर क्लिक करते ही इसका साइज बड़ा हो जाए। इस तरीके के आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बना करके करोगे तो आपको खुद ब खुद बेसिकली जावास्क्रिप्ट में अगर आपको सोचने आ गया तो आपको जावास्क्रिप्ट आ गया, अगर आपको सोचने आ गया तो आप खुद लॉजिक लिख पाओगे। तो चलिए मैं चाहता हूँ कि इसका मैं कलर चेंज कर दूँ। तो सबसे पहले चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा और जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल ऐसे बनाते हैं। मैं आगे ट्यूटोरियल बनाऊँगा कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे ये खुद ब खुद सजेशन देते रहता है, ओके। तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा कि इस एलिमेंट को सिलेक्ट करना होगा, जैसे CSS में हम करते हैं कि अगर इसका कलर चेंज करना होता है तो इसको किसी ना किसी तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ भी जावास्क्रिप्ट में किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए क्या है, ये एक चलता है हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ये हमारा एक फंक्शन है जो कि हमारे HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करता है। अब हमारा इसका आईडी क्या है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है एक फंक्शन है जो कि हमारे HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करता है, और हमारा इसका आईडी क्या है, हेलो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेलो। पहली बार ये अनडिफाइंड बताता है क्योंकि ये जो वेरिएबल है अभी सेट हुआ है। अब इसको हम कॉल एक्स करके इंटर मारेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा H1 वाला जो टैग है वो सेलेक्ट हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एलिमेंट में जा करके कि H1 टैग बिल्कुल सेम है, उसको इसने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि कलर चेंज कर दूँ, तो आप या तो डायरेक्ट X लिख सकते हो या फिर या पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। एक्चुअली वेरिएबल हम इसलिए बनाते हैं कि बड़े से बड़े चीज़ को हम छोटे से चीज़ से रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो अब हमारा क्या हुआ, X में हम मैं चाहता हूँ कि इसका कलर स्टाइल लेना चाहता हूँ, तो स्टाइल लिखेंगे। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से यहाँ पर आपको सजेशन दिखा रहा है ये सारा। तो आप इन सारे को कोड राइट करके आप चेक कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट करो आप यहाँ पे आकर के बेसिकली कंसोल में जाकर के आप बहुत सारे यहाँ पे जो सजेशन आते हैं इनके साथ में एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ स्टाइल। अब स्टाइल का मुझे क्या चेंज करना है, आप यहाँ पर देख रहे हो ना कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि आपको क्या करना है। मैं इसको कलर चेंज करना चाहता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन आ गए, तो कलर पे क्लिक कर दिया इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर। अब यहाँ पे मैं जो भी कलर लिखूँगा ये कलर उसका चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे एडिट कर देता हूँ और इंटर प्रेस करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि इसने एक प्रॉपर्टी ऐड कर देगी। अब आप देखिएगा कि इस जो हमारे H1 का टैग था इसमें क्या मॉडिफाई हुआ होगा, चूँकि हमने क्या किया कि यहाँ से एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया, ओके, और यहाँ पर इसमें हमने क्या किया कि इसका कलर चेंज कर दिया। अब कलर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें कि स्टाइल टैग लगाना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि इस टाइप पे क्या कोई स्टाइल टैग लगा है, हम एक्स प्रेस करेंगे क्योंकि एक्स में हमने वेरिएबल लगा रखा था ना ये वाला, इसके बराबर कर रखा था। अब इंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्टाइल कलर अप्लाई हो चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू स्टाइल कलर अप्लाई कर सकते हैं, CSS को मॉडिफाई कर सकते हैं और HTML को भी। ये तो बात हो गई कि अब सीखने के लिए हम कैसे यूज करें कंसोल को। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये एरर कैसे फाइंड करेंगे इसमें। तो एरर फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं एक एरर जनरेट करता हूँ। यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट कोडिंग कर लेता हूँ जावास्क्रिप्ट की, यह लिखने की ज़रूरत नहीं है चूँकि HTML 5 में यह खुद ब खुद समझ जाता है कि इसका टाइप क्या है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कंसोल कर दूँ। दोस्तों ये कंसोल यूज होता है आपको जो कंसोल मैंने दिखाया ना वहाँ पे कुछ राइट करने के लिए, कंसोल डॉट लॉग। अगर मैं यहाँ पे हेलो लिखता हूँ तो ये जो है हेलो वहाँ पे हेलो आई एम कंसोल, तो ये जो है यहाँ पे कंसोल आपको राइट कर देगा। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसोल ने यहाँ पे इसके आउटपुट दिखा दिया कि हेलो आई एम कंसोल। बेसिकली ये चूँकि मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ का हम काफ़ी यूज करते हैं, और अगर आप डेवलपमेंट में नए हो
तो आप इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आगे हम इसका काफ़ी यूज करने वाले हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है डिबगिंग करने में, एरर फाइंड करने में। चलिए मैं एक एरर इसमें जनरेट करके दिखाता हूँ, और एरर कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम जानेंगे। तो अब क्या किया मैंने, एक्चुअली ये तो एक्सेप्ट करता है स्ट्रिंग, बट हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक वेरिएबल पास कर दिया। तो अब ये एरर दिखाएगा, और हम इसे रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर हो रहा है, अनकॉट सिंटेक्स एरर मिसिंग। यहाँ पे आपको लाइन नंबर दिखा देगा कि कितने लाइन पे एरर है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एरर मिल जाएगा। तो लाइन नंबर 9 पे है। तो हम HTML में जाएंगे अपना, जहाँ जिस भी पेज में हमने जावास्क्रिप्ट लिखा है उसका लाइन नंबर यहाँ पे शो कर देगा। आप वहाँ पे जाएं और सिंपली जो भी एरर है उसे रिसॉल्व करें। तो मैं इसका एरर सब सॉल्व कर देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। तो अब देखते हैं दोस्तों, कंसोल में जाते हैं फिर से। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो कोड है फिर से रन हो गया है। तो यहाँ पे आपको एरर शो हो जाएगा, एंड यहाँ पे एरर कहाँ पे है, किस पेज में है, वो भी शो हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जिस लाइन पे एरर है, जहाँ पे एरर है उस पे ले जाएगा। आप वहाँ पे जा करके एरर को रिसॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ट्यूटोरियल में इतना ही। आई थिंक कि आपको कंसोल के बारे में पता चल गया होगा कि कंसोल हम किस लिए यूज करते हैं और ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।